वालेकुम, मैं हूँ हानिया मलिक और आज मैं अपने किचन में आपको लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल एक पहले मैंने ऑयल डाल दिया। ये कढ़ाई बनाने की आपको रेसिपी बता रही हूँ और अभी मैंने इसके अंदर ये प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें बाकी कुछ पार्ट ऐड करूंगी। और आप जानते हैं मैं आज मेरे घर पर इफ्तार है, तो मैं इफ्तार के लिए बहुत सारी रेसिपी शेयर करने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके साथ सारी की सारी रेसिपी शेयर करूं। इसलिए आज से मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट दिखा दूं। जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट लिए हैं वो इसमें साबुत धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्ची और ये छोटी इलायची। ये हम खड़ा मसाला चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। इसके बाद इसमें मैं ड्राई ऐड करूंगी स्पाइस, उसमें जो चीजें मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, ब्लैक चिली पेपर, पिसी हुई लाल मिर्च और ये स्पेशल गरम मसाला जो कि मैंने खुद से रेडी किया हुआ अपने घर पर। ये मेरे सारे स्पाइस रहेंगे। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट को क्रश कर लूंगी इसे ब्लेंडर में डाल के। ये देखिए, ये मैंने इसको ग्राइंडर में मसाला चाहिए होता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ अभी कैमरे में। ये हमारे पास मसाला रेडी हो गया है जो मैंने भी आपको ड्राई मसाला दिखाया था। अभी यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है और मैं प्याज फ्राई करने के साथ साथ टमाटर कट कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बिरयानी की, देन मटन कौरमा। और आप देख सकते हैं बहुत ही मजे की कढ़ाई रेडी हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं टूरिस्ट हूँ बट मैं एक शेफ भी हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बेइंतहा शौक है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाने सभी लाइक भी करते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, आप ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपके रमजान कैसे गुजरे? पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 डेज हो गया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रात से फीवर है और फीवर होने के साथ साथ ना मैं क्या बताऊँ आपको, मैं उदास हो गई ना, माउंटेन ना ऐसा हो गया, मैं माउंटेन पर नहीं गई, मैंने कोई रिवर नहीं देखा। और जब तक मैं रिवर के पास ना जाऊँ मुझे जो है ना सुकून नहीं मिलता। पता सभी का अपना अपना प्यार होता है। अगर मेरा कैमरा क्लोज करके दिखाता है, ये देखिए ऑनियन फ्राई हो रही है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी नहीं बनेगी ना तो पर आपने लाइक जरूर कर देना फिर भी, क्योंकि ना वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेले फोकस कर रही हूँ सभी चीजों पे, ठीक है। और मेरा किचन कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है ना, बस सिंपल सा मेरा किचन है और मैं खुद भी सिंपल सी हूँ, कोई बनावट नहीं है मुझमें। और मैं चाहती हूँ सिंपल लोग जो होते हैं ना वो भी लाइफ को ज्यादा इंजॉय करते हैं, और लाइफ को इंजॉय करने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है, आप खुद सबसे बड़े की लाइफ के बेस्ट पार्टनर है। क्या ख्याल है? आज बनने जा रही है चिकन कढ़ाई। आप देख सकते हैं मजेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो कि मेरे साथ किचन में है। आप मेरे सारे के सारे फॉलोअर्स और मेरे सारे के सारे फैन, होपफुली आप इंजॉय करेंगे इस चिकन कढ़ाई को। और बहुत सारा काम था जिसकी वजह से वीडियो में बहुत सारी नहीं बना सकी हूँ, और जिसमें मैंने आज चना चाट बनाई है, दही भले बनाए हैं और ड्रिंक में जो बनाऊंगी वो मैं अपना शेयर करूंगी। ड्रिंक पे मैंने रेडी नहीं किए, जैसे भी मैं ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, पर ये खाने में इंतहाई टेस्टफुल, मजेदार और बहुत 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 टेस्टी है। ये मेरी हिट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इसमें सब कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 kg चिकन है, 2 kg चिकन की मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 kg तक भी चिकन मटन सब कुछ बना सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये चिकन, ये हमारी रेसिपी रेडी हो रही है। मैं थोड़ा सा फ्लेम टेस्ट करती हूँ। एक्चुअली ना ये जो हमारा ना ओवन है ना, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे कहीं कहीं से इसका फ्लेम हाई हो जाता है और कहीं से लाइट हो जाता है, तो फिर मुझे इसको थोड़ा सा ना मैनेज करना मुश्किल होता है।
हाँ तो मैं बता रही थी मुझे फीवर था, फीवर में मैंने रोजा नहीं छोड़ा, मैंने रोजा रखा है और उसमें बहुत सारी नहीं बना सकी हूँ, और जिसमें मैंने आज चना चाट बनाई है, दही भले बनाई है, और ड्रिंक में जो बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रिंक पे मैंने रेडी की है, जैसे मैं ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, पर ये खाने में इंतहाई टेस्टफुल, मज़ेदार और बहुत 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 टेस्टी है। ये मेरी हिट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इसमें सब कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 kg चिकन है, 2 kg चिकन की मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 kg तक भी चिकन मटन सब कुछ बना सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये चिकन, ये हमारी रेसिपी रेडी हो रही है। मैं थोड़ा सा इसका फ्लेम तेज करती हूँ। एक्चुअली ना ये जो हमारा ना ओवन है ना, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है, वो इसलिए कहीं कहीं से इसका फ्लेम हाई हो जाता है और कहीं से लाइट हो जाता है, तो फिर मुझे इसको थोड़ा सा ना मैनेज करना मुश्किल होता है। हाँ तो मैं बता रही थी मुझे फीवर था, फीवर में मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा, मैंने रोज़ा रखा है, और बड़ा मज़ा आता है रोज़ा रख के अल्लाह ताला की इबादत करना, और मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं अपने रख के जब हम रोज़ा रखते हैं और उसकी इबादत करते हैं। और ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी में से ना बहुत सारी प्रॉब्लम निकल जाती चली जाती हैं। मेरे पास ना कैमरा मैन नहीं है इसलिए आपको ना सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी, बाकी की चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती मैं क्या क्या कर रही हूँ। चिकन मैंने धो के पहले से रख लिया था और उसको मैंने सिरका लगाकर धो लिया था। एक रेसिपी मैं आपको देती चलूँ, जो हम सिरका लगाते हैं चिकन में, तो इससे ऐसा होता है कि चिकन में जो लीक आती है ना, उसके एक कच्चेपन का स्मेल होती है ब्लड की, वो जब आप सिरका लगा के उसको वॉश करते हैं तो आपको स्मेल नहीं आती है, और चिकन का टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार आता है। इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। प्लीज 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 मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये एक मोटिवेशन होता है ना, आप एक काम कर रही हैं और अगर आपको आप लाइक कर रहे हैं आप लोग, इट्स मीन कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। भले वो टूरिज्म कंपनीज के साथ मेरा ताल्लुक है, भले वो मेरे किचन से ताल्लुक है, या फिर मैं वैसे ही वॉक कर रही हूँ और मैं जनाब आपके साथ साथ हो, मेरा मकसद यही है कि जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जियो और हर पल जियो। आप ये चिकन देख सकते हैं, ये चिकन है ठीक है, और इस चिकन को हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। कुछ भी आपको लगता है ना कि मेरी रेसिपी में कोई कमी है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी चाहिए प्याज फ्राई हो जाए, ताकि मैं अपनी रेसिपी भी जल्दी से रन कर लूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मेरे स्पाइस कभी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, कोई सीन नहीं है। हालांकि मैं नमक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ अंदाजे से, ठीक है। अभी क्वान्टिटी बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, वो सीख रहे होते हैं ना, कुकिंग सीख रहे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं वो कुकिंग सीख रही होती हैं, तो उनके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। प्याज फ्राई हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसका फ्लेम ठीक नहीं है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट रेसिपी जो है मैं दूसरे वाले चूल्हे पर बनाऊंगी, ताकि आपको जल्दी जल्दी ठीक से नजर आ जाए। आज इबादत की रात है, शब्बे कदर की रात है, वैसे हम हमारे लिए तो हर ताक रात इबादत की रात है और हम अपने रब से मांग लेते हैं, तो मांग लो आज मांगने की रात है। मुझे ना नाद भी आती है, मैं आपको नाद भी सुनाऊंगी ठीक है। आपने मुझे बताना जरूर है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे ना लगे, पर मेरा किचन गंदा मंदा कैसा लगा आपको जैसा कि आप देख सकते हैं मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, प्याज फ्राई करने के साथ साथ मैं इधर टमाटर मैंने कट कर ली है ठीक है, और इसमें फिलहाल सबसे पहले में टमाटर जाएंगे और मेरे ये वाला स्पाइस इसमें जाएगा सबसे पहले, जो मेन इसका मसाला है ठीक है, मेन मसाला है। ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये रेसिपी मैंने किसी से कॉपी नहीं की, कहीं से ली नहीं है, ये रेसिपी मेरी खुद की रेसिपी है, और आप बिलीव करिए बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है, ये बहुत टेस्टी रेसिपी है।
तो आज आप मुझे अपने दो में याद रखने वाली हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा एक्सप्लोर करना है पाकिस्तान को, वो तमाम तर जगहें मैंने देखी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी हैं और आपको भी नहीं दिखाई हैं। तो आपने देखी है मेरे साथ सभी जगहें देखनी है, होपफुली देखनी है, और मेरे साथ आप रहकर सब चीज़ें इंजॉय करने वाले हैं। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आप ये मसाला देख सकते हैं, जो मैंने अभी साबुत मसाला लिया था इसको जस्ट हमने क्रश कर लिया है। ये सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा, आप देख सकते हैं ये मिक्सअप कर रही हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और आप बिलीव करें इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है और बहुत ही मजे वाला टेस्ट है इसका। ये तो सब फ्राई हो गया है, अभी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, सॉल्ट, ये जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ, ये इसमें जाएगी काली मिर्च और ये इसमें जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई, ये सबके सभी मसाला दार चीजें इसके अंदर ऐड कर रही हैं। आप देख सकते हैं इसको मैं मिक्सअप कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टोमेटोज, सब फ्राई हो गया है, अभी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, सॉल्ट, ये जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ, ये इसमें जाएगी काली मिर्च और ये इसमें जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई, ये सबके सभी मसाला दार चीजें इसके अंदर ऐड कर रही हैं। आप देख सकते हैं मैं मिक्सअप कर रही हूं अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टोमेटोज, ये मैंने तकरीबन 6 से 7 टमाटर लिए हैं, ठीक है, ये टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि कढ़ाई की जो ग्रेवी है ना वो हमारी ग्रेवी बनेगी इन टमाटरों से, और जो हमारा चिकन है ना वो चिकन हमारा इस टमाटर के पानी से गलेगा। मिक्सअप कर दिया, इसको जस्ट 2 मिनट के लिए रखते हैं ढक्कन ढक के, ताकि इसके जो टमाटर है वो थोड़े से गर्म हो जाए। ये इसको 30 मिनट लगेगा, हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, 30 मिनट तक ही हमारी चिकन फ्राई रेडी हो जाएगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट, योगर्ट ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको भून लेंगे, भूनने के बाद इसकी सर्विंग में हम ऐड करेंगे अदरक, ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची, देन हम इस कढ़ाई को ऐसे ही एज इट सर्व करेंगे सर्विंग टेबल पे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। नेक्स्ट रेसिपी मेरी बनने जा रही है मटन कौरमा, मेरे साथ रहिएगा। ये मेरी चिकन कढ़ाई जो मेरी रेडी हो रही थी, ये मैंने दही ली है, दही को फेंट लिया, फेंटने के बाद अब इस स्टेज पे मैं इसमें दही ऐड करूंगी। आप अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये देख लें, चिकन जो है टमाटर जो है टमाटरों ने बिल्कुल अपना पानी छोड़ दिया और सॉफ्ट हो गए हैं, इसके अंदर हम ये दही ऐड कर देंगे। ये मैं दही ऐड कर दिया, ये हमारी चिकन कढ़ाई जो रेडी हो रही थी। आपको पता है टाइम कम है, बिल्कुल टाइम कम है, और मैं ये रेसिपी बस जल्दी जल्दी उनसे ना वो रेडी कर रही हूँ, और अब मेरा मूड हो गया हैप्पी बिकॉज बारिश हो रही है। ये चिकन कढ़ाई इज रेडी।